स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग जो है, आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा, इस वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं मेंटल एबिलिटी के। मेंटल एबिलिटी जो है बोर्ड पे करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग जो है इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे करेंगे, तो सो डैट कि काफ़ी ईजी रहेगा करने में और समझ में भी ज़्यादा अच्छे से आएगा और मज़ा भी आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मेंटल एबिलिटी से। तो हम लोग आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा फेस नहीं दिखेगा आई थिंक, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है आपको पूरा मेंटल एबिलिटी समझा जाएगा, एक दो दो पार्ट में जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी दिक्कत हो मुझे बताना। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग पूरा मेंटल एबिलिटी जो है डिस्कस करेंगे वीडियो में, ठीक है। तो इसमें मैंने बुक को इंपोर्ट कर रखा है, आप लोगों को मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो ये देखो, फर्स्ट चैप्टर हमारा है ऑड मैन आउट। इसका नाम ही ऑड, ऑड मतलब जो अलग, मैन आउट। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई चार ऑप्शन है हमारे पास, एक दो तीन चार, चार ऑप्शन नहीं, मतलब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के है, ठीक है। चार इसमें क्वेश्चन में चार क्वेश्चन फिगर है, इसमें से कह रहे कि क्या सबसे अलग है ये बताओ, ठीक है। जो सबसे डिफरेंट हो हमें उसको बताना है, तो वो ऑड मैन आउट। जैसे मान लो कि यहाँ पे पानी है, यहाँ कोल्ड ड्रिंक है, यहाँ जूस है, यहाँ बुक है, तो क्या हो जाएगा, इसका बुक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों लिक्विड वाली चीजें हैं, खाने पीने वाली चीजें, और ये किताब किताब है, और ये पढ़ाई के लिए है, ठीक है। तो ये इसका ऑड मैन आउट हो गया। तो इसमें देखो इसके क्या क्या इसमें दे रखा है कि ऑड मैन आउट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थिंग्स ऑब्जेक्ट इन टू अ ग्रुप, देन फाइंडिंग द डिफरेंट ऑब्जेक्ट और दैट डजंट बिलोंग टू द ग्रुप। हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट बताना है जो कि ग्रुप से अलग हो, पूरा ही पूरा अलग हो। तो इसमें देखो कि कैसे कैसे अलग होते हैं, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, किस हिसाब से बने उस हिसाब से ये अलग हो सकते हैं। ये देखो, ये थ्री साइड, फोर साइड, फाइव साइड, और सर्कल क्या है, सर्कल में तो साइड ही नहीं होता, सर्कल इज कलेक्शन ऑफ फिगर्स, ठीक है। इसमें तीनों में, इसमें ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ है, ये भी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, ये भी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, बट सर्कल में कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसका ऑड क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। सेम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड। अब किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा कि कभी कभी तुम्हारे पास ऑड मैन आउट के क्वेश्चन ऐसा आ जाएंगे कि जैसे ये ऐसा कुछ फिगर बना हुआ आ गया, तो इसमें देखो इसमें कितने साइड है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसमें देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसमें देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इन सब में सिक्स साइड है, इसमें कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो इसमें सेवन साइड है, तो ये ऑड है, अलग हो जाएगा। इन तीन, इसमें भी सिक्स था, इसमें भी सिक्स था, इसमें भी सिक्स था, ये अलग है। ऑड मैन आउट मतलब जो अलग हो, बेस्ड ऑन पोजिशन, पोजिशन के हिसाब से होता है। कैसे, ये देखो इसका ये इस टाइप का कुछ यहाँ ट्रायंगल है, और यहाँ पे कुछ इसका एरो बना हुआ है, ट्रायंगल के जस्ट सामने ये ट्रायंगल है, सॉरी ट्रायंगल के जस्ट सामने ये एरो है, इस ट्रायंगल के जस्ट सामने ये एरो है, ठीक है, इस ट्रायंगल के अपोजिट आ गया एरो, देखो दिख रहा है, अपोजिट आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ये इसमें भी क्या है, सेम है, ये तीनों किसी ना किसी मैनर से सेम है, ये वाला अलग है, ठीक है। बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट। अब देखो इसमें रिलेशन, देखो क्या रिलेशन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन ये ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसमें सिर्फ सेवन साइड से, इसमें अंदर कितने, फोर है, सेवन में से थ्री गए फोर, इसमें देखो फोर साइड है, इसमें वन है, इसमें देखो कितने साइड है, वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें फोर है, इसमें सिक्स है, इसमें फाइव है। तो कहने का मतलब क्या है, बाकी सब फिगर में देखो, इस वाले फिगर को छोड़ के बाकी सब में देखो, बाहर फोर साइड से अंदर थ्री साइड है, मतलब फोर थ्री या फिर थ्री फोर, यहाँ देखो फोर साइड फाइव साइड, फोर फाइव फाइव सिक्स, कि मतलब अंदर जो फिगर है उसके पांच साइड है, बाहर एक ज्यादा है, अंदर चार साइड है, बाहर एक ज्यादा है, अंदर तीन साइड है, बाहर एक ज्यादा है, इसमें इसमें गलत हो रहा है, इसमें एक ज्यादा नहीं है, इसमें तीन ज्यादा है, ठीक है। तो इसका जो है ये हो जाएगा, ये अलग है सबसे, ऑड मैन आउट। बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट कह रहा है, कैसे, यहाँ देखो वन टू, दो मल्टीप्लाई है और थ्री ऐड है, वन टू थ्री, ठीक है, इसमें भी दो मल्टीप्लाई है, थ्री ऐड है, वन टू थ्री, इसमें देखो इसमें भी दो मल्टीप्लाई, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें भी दो मल्टीप्लाई है और बाकी थ्री ऐड है, इसमें क्या है, इसमें एक दो तीन, तीन मल्टीप्लाई आ गया, देखो एक दो तीन मल्टीप्लाई, ये उल्ट, ये गलत हो गया ना, सब में दो मल्टीप्लाई थे, इसमें तीन मल्टीप्लाई थे, ये सबसे अलग क्या है, ये है ऑड। कोई डाउट, बहुत ही इजी चैप्टर ये वाला, आप लोगों को खुद भी पता चल रहा होगा कि कितना ज्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। बेस्ड ऑन रोटेशन, रोटेशन मतलब कि अगर ये एरो है, इसको अगर हम घुमा दे तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, इसको हम और घुमा देते हैं कुछ ऐसा बन जाएगा, इसको हम और घुमा देते हैं कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ इस ये फिगर घूम रहा है सेम फिगर, बस ये घूम रहा है, देखो इसको अगर मैं इधर घुमा दूंगा ऐसे करके, तो ये वाला एरो तो इधर आ जाएगा, ठीक है, ये स्टार
इधर आ जाएगा, ठीक है। नहीं एक चीज देखो, ये वाला गलत है, ये वाला, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट अ मिनट। हाँ सॉरी 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 फॉर डैट, इसमें फिगर का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें रोटेशन का कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि देखो ये वाला इस साइड घूमा हुआ है, अगर इसको मैं और ऐसे घुमा दूंगा तो इसका फेस, ये जो एरो का फेस है वो इस साइड आ जाएगा, इसको अगर मैं और घुमा दूंगा तो एरो का फेस इधर आ जाएगा। लेकिन ये सभी तो कैसे एंटी क्लॉकवाइज है, बट ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो सभी इस साइड घूम रहा है, देखो दिख रहा होगा, ये भी इधर घूम के, ये भी इधर की तरफ, ये भी इधर की तरफ, बट ये उल्टा घूम रहा है, ये कैसे, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, ठीक है। रीड आउट बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग। एक चीज देखो, इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन, तीन स्ट्रेट लाइन, इसमें एक स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन, इसमें एक दो तीन, इसमें एक दो तीन, तो सब में तीन 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 है, इसमें दो है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। एनी डाउट? बेस्ड ऑन रियल इमेजेस, हमें बताना है कि ये इन तीनों में से कौन, इन चारों में से कौन सा अलग है। देखो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, किताब कॉपी, ये भी पेंसिल इरेजर, बट ये क्या, साइकिल, साइकिल तो नहीं है ना, तो ऑड मैन आउट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सबसे अलग है इन तीनों में से, सबसे अलग है, ठीक है। तो दो चार पांच क्वेश्चन इससे कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। भाई इन क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर होता है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। देखो एक चीज देखो, फर्स्ट फिगर में, फर्स्ट वाले इसमें देखो कि नीचे अंदर जो इंटरनल में क्या है, ट्राइंगल दे रखा है, तो 1 2 3, तीन साइड तो तीन सर्कल, चार साइड तो 1 2 3 सर्कल, तो ये वाला होना चाहिए इसको। अभी देख लेते हैं, 1 2 3 4, फोर साइड तो 1 2 3 4, फोर सर्कल, इसमें भी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, फाइव साइड तो 1 2 3 4 5 सर्कल, ये भी ठीक है, तो इसका अलग क्या हो जाएगा, ये कि अंदर चार सर्कल है लेकिन तीन, अंदर क्वाड्रिलेटरल है लेकिन सर्कल जो है तीन ही है, तो इसका ऑड मैन आउट क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। इसमें देखो आर यू एन रन, RUN मतलब RUN RUN RUN, तीनों में इसमें अलग है, ये ऑड हो गया, नो डाउट। इसमें देखो दो फिगर आपस में इंटरसेक्शन में, तीसरा फिगर सेपरेट है, दो फिगर इंटरसेक्शन में, तीसरा सेपरेट है, दो फिगर इंटरसेक्शन में, तीसरा सेपरेट है, तो इसका क्या होगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। एनी डाउट? इसको देखो, इसको अगर आप इसको ऐसे घुमा दोगे, वेट अ मिनट, इसको अगर आप ऐसे घुमा दोगे तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा, ये ऐसा तो बनेगा नहीं, लेकिन इसको आप फिर ऐसे घुमाओगे तो ये कुछ इस टाइप का तो बन जाएगा, इसको फिर इधर घुमाओ तो ये ऐसा बन जाएगा, इसका सेकंड वाला होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो कि इसको जब आप इधर घुमाओगे, इसको रोटेट करोगे, तो ये तो कुछ ऐसा सीधा ब्रिक बन जाएगा, ठीक है ऐसा। अब ये वाला लाइन इधर है, तो ये लाइन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ऐसे, और यहाँ पे ऐसा जाएगा, ये प्लस, तो थोड़ा आप चेक करके देखो ये सेम है क्या, ये वाला और ये वाला सेम है क्या, नहीं है, ये लाइन उल्टा जा रहा है, तो ये कैसे घूम, ये जो है ये गलत दे रखा है, ठीक है। तो ये तीनों तो सही डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, अगर आप इसको करोगे तो ये कुछ यही फिगर, ये सेम फिगर है, ये सेम फिगर है, बस ये रोटेशन मोड में है, लेकिन ये वाला अलग है, ठीक है, इसलिए इसका ये हो जाएगा। एनी डाउट? बाकी देखो अगला वाला देखो, इसमें क्या है, देखो एक सर्कल है, इसके चार पार्ट है और ये शेडेड है, इसमें भी चार पार्ट है लेकिन ये दो शेडेड है, इसमें भी चार पार्ट है, ये भी शेडेड है, लेकिन इसमें क्या है, एक चीज देखो, इसका शेड है ना वो कैसे हॉरिजॉन्टली है, इसका भी शेड हॉरिजॉन्टली है, इसका भी शेड हॉरिजॉन्टली है, बट इसका शेड देखो, इसका शेड वर्टिकली है, तो कौन सा हो जाएगा इसका, वाला हो जाएगा। बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो ऑड मैन आउट आई होप कि आप लोग कर लोगे सॉल्व, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ऑड मैन आउट, ठीक है। तो डिफिकल्ट है क्या बताओ, ऑड मैन आउट डिफिकल्ट है? इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो अगला चैप्टर देखिए, अगला चैप्टर क्या है, फिगर मैचिंग, क्या है फिगर मैचिंग, इसमें हमें बताना है कि कौन सा सेम, ये भी बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन हमें बताना है कि ये ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऐसा कौन सा फिगर दिख रहा है, बताओ, नहीं बता पाओगे क्या, सेम जाहिर सी बात है कि इसका ये वाला सेकंड वाला होगा, क्योंकि आप लोग देख के बता सकते हो ना कि एक ट्रायंगल है, एक छोटा सा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, एक छोटा सा ट्रायंगल, एग्जैक्टली सेम यही तो है, इसका देखना है ये किसके सेम है, एग्जैक्टली सेम किसके है, तो देखो इसका स्माइल वाला फेस कितना है, 1 2 3, ठीक है। अब ये वाली आंख कितने के हैं देखो, अब ऑब्वियस सी बात है, इसका आंख जो ट्रायंगल में है ये तो पहले कट गया, इसका आंख भी ट्रायंगल में, ये भी कट गया, तो स्माइल वाले फेस के साथ ये वाला आंख कौन सा, इसी के पास है, तो इसका ये हो जाएगा आंसर, कोई डाउट? तो फिगर मैचिंग बहुत ही इजी होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता, ये वाला देखो,
क्रॉस क्रॉस तो सब में, यहाँ पे टू, यहाँ थ्री, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू था, ये भी कट गया, यहाँ ये भी कट गया। देखो यहाँ टू है और यहाँ टू है, और यहाँ चेक करो थ्री थ्री, तो इसका ये वाला हो जाएगा। फिगर मैचिंग बिल्कुल एग्जैक्टली मैच किसका हो रहा है फिगर, सेम इसको देखेंगे। मैचिंग फिगर बहुत ही बेसिक होता है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। मैचिंग फिगर आप लोगों को देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो ये दो एरो आ रहे हैं, दो एरो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी सब में, लेकिन इसमें जो एरो में ये आगे इस टाइप का दे रखा है, इसमें नहीं है, तो ये तो कट गया, ठीक है ये कट गया। और इसके यहाँ जो लाइन है, इसमें दो सर्कल्स है, तो इसमें तो सर्कल नहीं है, ये भी कट गया, ठीक है। और ये कुछ ज्यादा ही ऊपर है, ये भी कट गया, तो ऑब्वियस सी बात इसका थर्ड वाला हो जाएगा। चेक कर लो, देखिए सेम थर्ड वाला हो जाएगा। तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे करना है। ये देखो ये स्क्वायर है, बॉक्सेस बन गए, और जो इसमें जो एरो का साइन है वो इधर की तरफ है, स्क्वायर स्क्वायर की साइड की तरफ है। तो देखो ये तो एक इंटरनल है, इसमें सभी जो है बाहर की तरफ आ रहा है, ध्यान से देखो सभी किधर की तरफ है, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। और ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये तो कट गया। इसमें ये वाला अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये भी कट गया। अपनी बुक में देखना सभी, येलो भी अंदर की तरफ जा रहा है, ये कट गया। तो इसका कौन सा आंसर होगा, फोर्थ। एग्जैक्टली सेम किसके, फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन के एग्जैक्टली सेम है ये वाला। देखो फिगर सेम फिगर, यहाँ पे जो सर्कल में कट लग रहा है इसमें तो है ही नहीं, तो ये कट गया, इसमें है सर्कल में कट, ठीक है। अब देखो ये बॉक्स बना है, इसमें भी कट है, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा कुछ फिगर बन रहा है, ठीक है, ये भी ठीक है। कौन सा होगा इसका, ये वाला होगा, ऑब्वियस सी बात है, चेक कर लो, यही होगा इसका आंसर। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, इस टाइप का एग्जैक्टली सेम फिगर कौन सा, माइनस माइनस माइनस। तो देखो माइनस माइनस तो दो में है, एक फर्स्ट में, एक सेकंड में, फोर्थ में। तो ये तो प्लस वाला पहले कट गया, और ये माइनस वर्टिकल है, ये भी कट गया। अब देखो इन दोनों में से कौन सा होगा, इसमें लाइन कुछ ऐसे है, ठीक है, लाइन कुछ ऐसे है, ये भी ठीक है, तो ठीक है। अब इसका इसका देखो, ये जो ये हैंडल है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और इसका जो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये कट गया, ये वाला फोर्थ वाला हो जाएगा इसका आंसर। एनी डाउट? तो फिगर मैचिंग में इतना ज्यादा डिफिकल्टी आप लोगों को नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि फिगर मैचिंग जो है बहुत ही सिंपल सा है, इसमें हमें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फिगर बताना होता है। जो आपको मेन दिक्कत आएगा वो आपको मिरर इमेज पंच होल पैटर्न इसमें आएगा। पैटर्न कंप्लीशन भी कोई बड़ी चीज नहीं है, पैटर्न कंप्लीशन आप लोग कर लोगे, बताता हूँ मैं कैसे करोगे पैटर्न कंप्लीशन। जैसे एक चीज देखो, ध्यान से देखना, अगर आप लोग को ये अच्छे से दिख रहा हो तो, क्या है कि हमें इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज देखो आप लोग कि ये लाइन ऐसे आ रहा है, ये यहाँ खत्म हुआ, ये दूसरा लाइन आ गया, यहाँ खत्म हुआ, ये तीसरा लाइन आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ खत्म हुआ तो ये लाइन कुछ इस टाइप का, जब हम पैटर्न पूरा करेंगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। अब देखो सेंटर से सब में एक लाइन जा रहा है दूसरे सेंटर की तरफ, एक एक तरफ से लाइन जा रहा है दूसरी तरफ की तरफ, ठीक है। हम बस एग्जैक्टली सेम टू सेम बना देंगे, और यहाँ पे एक और ऐसा आ जाएगा, तो बताओ कौन सा वाला है। तो ये जो फर्स्ट वाला है, देखो ऐसे तो बना हमारा, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, जो सेम पैटर्न हमने सब में देखा वही सेम पैटर्न हमने इसमें ड्रॉ कर लिया। इसमें चेकआउट करो, देखो एक काम करो कि आप लोग आधे में देखो, आधे में कितना क्या बन रहा है, जो बिल्कुल हाफ है, हाफ में क्या बन रहा है। तो देखो हाफ में आपको क्या दिख रहा है, ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है बना हुआ, फूल पत्ती टाइप की, कुछ इस टाइप का दिख रहा है, कुछ ऐसा लाइन दिख रहा है, और यहाँ उल्टा ट्रायंगल दिख रहा है कुछ ऐसा। बताओ कौन सा वाला है, बताओ कौन सा वाला है, ये वाला हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। यहाँ देखो ये बहुत ही बेसिक सा है, सेम जैसा ऊपर है सेम यहाँ पे पुट अप करना है। तो कौन सा वाला एग्जैक्टली सेम है, फर्स्ट वाला, ठीक है ना। इसको देखो यहाँ क्या है, पहले ब्लैक वाला ये शेड आना चाहिए इधर की साइड, ठीक है, ब्लैक बिल्कुल डार्क ब्लैक। तो डार्क ब्लैक तो सिर्फ इधर की साइड इसमें ही है, तो इसका यही हो जाएगा। अगर दो तीन में होते तो फिर हम चेक करते कि कौन सा थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। इसका हमें फिगर कंप्लीट करना है, तो एग्जैक्टली सेम टू सेम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे जैसा इन सब में है, और फिर यहाँ पे एक एरो बना देंगे, और फिर इस पर कट लगा देंगे। चेक कर लो कौन सा वाला है, फोर्थ वाला होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन सेम टू सेम इसके जैसा है। इसको देखो सर्कल बनेगा, ये कुछ ऐसा इस टाइप का लाइन बनेगा, ठीक है, और अंदर शेड होगा। तो बताओ कौन सा, इसमें देखो इसमें बाहर भी शेड है हल्का सा, आप अपने बुक में देखो तो पता चला ये तो है, होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये है, इसका फोर्थ वाला हो जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। आप लोग करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ये, बस मैंने वीडियो बना दिया। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप हमें ये समझा दीजिए, ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो यहाँ देखो इस फिगर में भी सेम टू सेम देखो, आप ऊपर वाले के फिगर को भूल जाओ कि ऊपर वाले फिगर में क्या है, ठीक है, आप भूल जाओ। जो आपके दूसरी साइड बन रहा है ना, सेम टू सेम आप मिरर इमेज में यहाँ ड्रॉ कर लो, मतलब अभी बस ऐसे सेम टू सेम ड्रॉ कर लो, ये ऐसे जा रहा है तो इसमें ऐसे कर दो, ठीक है, मिरर इमेज पढ़ लो तो और ईजी हो जाएगा।
यस जा रहा है तो इसको ऐसे कर दो, यस आ रहा है तो इसको ऐसे करके बना लो, ठीक है, जो भी सेम टू सेम ऐसा कौन सा बन रहा है चेक करो, फर्स्ट वाला, ठीक है ना। तो पैटर्न कंप्लीशन में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, सिर्फ पैटर्न जो है देखना है कैसा बन रहा है। यहाँ देखो ये स्क्वायर है, छोटे छोटे स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे भी एक लाइन आ जाएगा, यहाँ पे भी एक लाइन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी एक छोटा सा स्क्वायर आ जाएगा। देख लो कौन सा वाला है, फर्स्ट वाला होगा, ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट वाला ही तो होगा, है ना। तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बेसिक बेसिक सा है, मुझे बताओ इतना ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? इतना डिफिकल्ट तो मुझे तो नहीं लगता इतना डिफिकल्ट। फिगर सीरीज कंप्लीशन, इसमें भी कुछ इस टाइप का ही है कि कुछ हमें फिगर बन रहा होगा उसको जो है कंप्लीट करना होगा, तो कैसे करेंगे हम लोग, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिजाइन। देखो ये 1 2 3, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 देखो किसमें, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, बट सर्कल ट्रायंगल, यहाँ सर्कल है तो क्या आएगा, ट्रायंगल ही तो आएगा, ऑब्वियस सी बात है फोर्थ वाला हो जाएगा, एनी डाउट। तो सीरीज है, एक कुछ पैटर्न बना हुआ है उसको हमें देखना है। यहाँ देखो एक कट, यहाँ पे एक सर्कल था, ये ऐसे रोटेट कर दोगे तो ये ऐसा आ जाएगा इधर, फिर मतलब यहाँ से ये सर्कल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब इधर रोटेट हो गया, अभी यहाँ से यहाँ रोटेट हो गया, रोटेट हो रहा है क्या हो रहा है चेक करो, हाँ रोटेट ही हो रहा है, क्योंकि जब आप इसको इधर रोटेट करोगे तो ये जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, जब आप इसको इधर की तरफ रोटेट करोगे तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो जब आप इसको इधर रोटेट करोगे तो ये वाला सर्कल कहाँ आ जाएगा, ऊपर, ऊपर में सर्कल कितनों के हैं, 1 2, मतलब इस कॉर्नर पे सर्कल कितनों के हैं, 2 के हैं, ठीक है इन दोनों के, लेकिन बट ये देखो सर्कल के पास से जस्ट इस कॉर्नर पे सर्कल है तो इस कॉर्नर पे एक्स है, तो इस कॉर्नर पे सर्कल है तो एक्स यहाँ होना चाहिए था ना, तो ये तो होगा नहीं, इसका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन साइज कलर एंड डिजाइन सेम है, साइज कलर एंड डिजाइन, देखो तीन फिगर दिखते और यहाँ पे भी तीन फिगर, लेकिन एक शेड हो गया, यहाँ पे दो शेड हो गया, अगली बार क्या होगा, तीन शेड हो जाएगा तीनों, नो डाउट, तीनों एम्प्टी, फिर एक फिल हो गया, फिर दूसरा ही फिल हो गया, तो तीसरे सेकंड वाले सॉरी लास्ट वाले में क्या होगा, तीसरा ही फिल हो जाएगा, सिंपल। यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक इस टाइप का एरो टाइप का साइन था, अगले वाले में क्या हुआ, ये ऐसे आ गया, मतलब दो दो साइड है, अब तीन आ गया, अब यहाँ चार आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ देखो 2 है, 1 2, यहाँ क्या है, 1 2 3, 1 2 3 4, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 5 आ जाएंगे। तो ये इस टाइप के बहुत ही बेसिक बेसिक होते हैं, आपको बस फाइंड आउट करना होता है किस टाइप से हो रहा है, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, मैं थोड़ा 1 मिनट पानी ले रहा हूँ। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 कि इसमें हमें बताना है कि फोर्थ वाले में क्या आएगा, तो इसमें भी कुछ ना कुछ पैटर्न इस टाइप में ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होगा, कुछ ना कुछ घूम ही रहा होगा, रोटेशन ही हो रहा होगा। तो यहाँ देखो कि पहले ये ट्रायंगल यहाँ था, अब ये ट्रायंगल यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, ये ट्रायंगल जो है ऐसे घूम गया, रोटेट हो गया, ये क्रॉस ऑब्वियस सी बात है एक-एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर ये वापस से एक आगे घूम गया, तो जब ये यहाँ गया तो सब एक आगे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर से ये जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऐसे इस पर जाएगा, तो इस वाले एंड पे देखो ट्रायंगल कितनों के हैं, सिर्फ एक के, और बाकी तो किसी के नहीं है, ऑब्वियस बात है सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, नो डाउट। किसी भी फिगर को, एक फिगर को आप लोग अपने दिमाग में रखो और उसको जो है रोटेशन करके उसको चेक कर लो कौन सा हो। इसमें देखो ये कुछ इस टाइप के दो कप टाइप का फिगर बन रहा था, एक फूल आया दूसरा भी फूल आ गया, अब क्या होगा, अब तीसरा फूल आएगा, तो ऑब्वियस बात है कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, ऐसा फूल आ जाएगा, ठीक है। यार देखो यहाँ देखो क्या है, पहले ऐसा फिगर बन रहा था, अब फिर ये फिगर का जस्ट अपोजिट हो गया, तो ऑड मैन आउट तो है नहीं कि हम इस पर टिक लगा देंगे कि भाई ये दोनों इस साइड में, अब ये बीच में, ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्या है कि पहले क्या था, फिगर ऐसा था, अब फिगर ऐसा हो गया, अब पहले क्या था, माइनस यहाँ था, अब माइनस यहाँ हो गया, सब एक एक आगे शिफ्ट हो गया, एक एक जो इधर चल, ये माइनस वाला इधर आ गया, ये मल्टीप्लाई वाला इधर आ गया, प्लस वाला इधर आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है अब क्या होगा कि यहाँ पे ऐसा फिगर है, तो अगला फिगर क्या होगा कि जस्ट इसका अपोजिट होगा, और सबको एक जगह आगे शिफ्ट कर दो, तो मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा, प्लस यहाँ जाएगा, और माइनस यहाँ जाएगा, चेक करो कौन सा मल्टीप्लाई प्लस माइनस, मल्टी ये तो होगा ही नहीं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, तो इसका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। देखो एग्जैक्टली सेम है जो हमने बनाया है, चेक करो,
ये पहले लाइन ऐसी थी तो अब ऐसे कर दिया, अब ये एक एक आगे बढ़ रहे थे तो सेम हमने इसका जो है ये वाला लाइन ऐसी थी तो इसको ऐसे कर दिया, अब एक एक इसको आगे कर दिया, मल्टीप्लाई इधर गया, प्लस इधर गया, माइनस 3 4 गया, ठीक है। यहाँ देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कैसे भी पैटर्न को एक पैटर्न पकड़ लो और उस पे ही जो है आप लोग पूरा क्वेश्चन कर सकते। देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अब एक प्लस पीछे ये वाला जो अपनी पोजीशन पीछे आ गया, लेकिन अभी भी सीक्वेंस हुई है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अभी एक और पीछे आ गया, यहाँ आ गया देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो अभी एक और पीछे आ जाएगा, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसा होगा। देखो एक सीक्वेंस हमने पकड़ लिया कौन सा किसके बाद है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। अगली बार क्या हुआ, एक प्लेस पीछे आ गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर एक प्लेस ये और पीछे आ गया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अब एक प्लेस और पीछे आ गया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। चेक करो प्लस प्लस यहाँ पे कितने फिगर के हैं, सिर्फ एक फिगर का, तो इसका फोर्थ वाला हुआ, चेक करो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। डाउट? ओके ये वाला देखो, ये एक सर्कल है जिसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इस सर्कल और ट्रायंगल दोनों आमने सामने है, सर्कल और ट्रायंगल दोनों आमने सामने है, सर्कल और ट्रायंगल दोनों आमने सामने है, तो ऐसा तो इसमें भी है सर्कल ट्रायंगल दोनों आमने सामने है, और सर्कल ट्रायंगल दोनों आमने सामने है, ऐसा तो इन दोनों में भी है। बट और चीज देखो, सर्कल ऊपर है फिर ट्रायंगल ऊपर है, फिर सर्कल ऊपर है तो अब कौन सा होगा, ट्रायंगल ऊपर होगा, ट्रायंगल तो इसमें है ही नहीं, है सॉरी सॉरी, इसमें देखो इसमें ट्रायंगल ऊपर है ना, इसका सेकंड वाला गया, समझ में आया, चेक करके बताओ समझ में आया यस और नो। ये वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके सामने होना चाहिए था, दोनों आमने सामने थे, देखो सर्कल ट्रायंगल ऐसे है, फिर सर्कल ट्रायंगल ऐसे है, फिर सर्कल ट्रायंगल ऐसे है, तो अब फिर सर्कल ट्रायंगल ऐसे होगा, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, सर्कल होगा या ट्रायंगल होगा, चेक कर लो समझ में आ जाएगा आपको। इसमें देखो एक वी है, डबल वी है, ट्रिपल वी है, तो 4 बार V कौन सा होगा, 1 2 3 4, ये वाला हो जाएगा सिंपल, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, इतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते ही नहीं है, ये आप लोग कर लोगे मुझे पता है। जो मेन दिक्कत आती है ना वो किस में आती है, मिरर इमेज कंट्रोल पैटर्न, टेंशन मत लेना उसको, इतने अच्छे समझाएंगे, इतने अच्छे से समझाएंगे, मे बी इस वीडियो में पॉसिबल ना हो, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें थोड़ा अच्छे से बहुत मजा आएगा उसको करने में, ठीक है। वो वीडियो मिस मत करना, कोई भी मिस मत करना, कोई भी नॉट अ सिंगल वन, अगर आप उसको मिस कर दोगे तो भाई सब मिस हो जाएगा, फिर तो बाकी क्वेश्चन तो आप पहले भी कर सकते थे बिना इस वीडियो को देखे भी, ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चंस को आप लोगों को वीडियो देखना होगा उसके लिए, ठीक है ना। अब देखो एनालॉजी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एनालॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि दो क्वेश्चन दो फिगर होते हैं जो आपस में रिलेटेड होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया ए इज रिलेटेड टू बी, ए बी, तो मैंने बोला कि सी बताओ सी के आगे वाला क्या हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है डी, कैसे कि हमें पता है कि ये जस्ट एक प्लस वाला है, एक के जस्ट आगे क्या आता है बी, तो ए बी दोनों आपस में इस तरीके से लिंक्ड है कि एक के बाद बी आता है, तो यहाँ कुछ भी लिख दिया एफ लिख दिया, तो बताओ आगे क्या आएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि क्या आगे क्या आएगा, तो एफ के आगे क्या आता है जी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये, कि ये दोनों आपस में किसी तरह ना किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड है, वही सेम रिलेशन हमें इन दोनों में बनाना है। एनालॉजी किस टाइप के, एनालॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि ये वाला फिगर और ये वाला फिगर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, वही सेम रिलेशन हमें इन दोनों के ऊपर फाइंड आउट करना होगा। यहाँ देखो एक ट्रायंगल था बड़ा सा और छोटा सा सर्कल था, अगले फिगर में क्या हुआ, सर्कल बड़ा हो गया ट्रायंगल छोटा हो गया, ये देखो ये एक छोटा सा स्क्वायर है, तो अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर बड़ा हो जाएगा ट्रायंगल छोटा हो जाएगा, हालांकि इसमें ऐसा फिगर कोई बना नहीं है तो इसका सेकंड वाला ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बड़ा दे रखा है लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा छोटा, सेम ही है वैसे तो, ठीक है। इसमें देखो सबसे अंदर एक ट्रायंगल था, फिर एक सर्कल है, सॉरी फिर एक स्क्वायर है, फिर एक सर्कल है, तो अगले वाले में क्या हुआ कि ये बाहर आ गया, ये सर्कल अंदर रह गया, ये स्क्वायर अंदर चला गया, मतलब सबसे अंदर वाला सबसे बाहर आ गया, तो अगले वाले में देखो तो समझ में आ रहा है ना, चेक करो कि सबसे अंदर क्या था, ट्रायंगल था, तो अब सबसे बाहर ट्रायंगल आ गया और ये सब जो है यही जैसे सेम थे सेम के सेम ही रह गए, ठीक है। अब इसको सबसे बाहर निकाल लो, तो जो जो पहले से है सेम के सेम ही छोड़ दो उन दोनों को, तो अब इसको बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा सर, सॉरी हाँ स्क्वायर बन जाएगा, ये कुछ सेम ऐसे ऐसा ही फिगर बनेगा जैसा ही बन रहा है, चेक करो कौन सा वाला है एग्जैक्टली सेम, कौन सा वाला है, कौन सा वाला है, सॉरी एक
नहीं है तो सही, है तो सही, कौन सा वाला होगा? इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, फिगर एक बार दोबारा देख लो। इसमें तो कुछ है ही नहीं, यहाँ क्या है कि ऑब्वियस बात है ये सर्कल बाहर आ जाएगा। देखो इसमें भी तो ऐसे ही हो रहा है। नहीं, इसमें सबसे अंदर वाला सबसे बाहर आ रहा है। सबसे अंदर क्या था? ट्रायंगल था, ट्रायंगल बाहर आया। इसमें क्या है? सबसे अंदर इसमें क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर बाहर आएगा ना। तो इसका आंसर जो है क्या लिखा है, इसका आंसर गलत दे रखा है मुझे, मेरे ख्याल से। फ्रॉम द क्वेश्चन फिगर फर्स्ट टू सेकंड द इनरमोस्ट शेप बिकम आउटर मोस्ट। सही बात है, जो सबसे अंदर वाला है वो सबसे बाहर हो रहा है। इसके सबसे अंदर वाला क्या है? सबसे अंदर तो इसके स्क्वायर है ना, इसका आंसर गलत दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे देखो देखो देखो, ये कंफ्यूज यहाँ पे हो रहे हैं। मैंने देखा कि इसमें आंसर यहाँ 1 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? फिगर 2 विल कंप्लीट द सेकंड पेयर। तो इसका आंसर वही, तो मैं सोच रहा था कि ये कैसे हो रहा है, ये यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, इसका फिगर 2 ही होगा, क्योंकि सबसे इनर वाला सबसे बाहर आया ना, तो इसका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, एंड आउट। अगला देखो, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड, ऑब्वियसली बात है 3 4, तो 4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। एनालॉजी है ये, एनालॉजी कि किस ना किस तरीके से ये दोनों आपस में रिलेटेड है, वही सेम रिलेशन हमें इन दोनों में ढूंढना है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां देखो, यहां क्या है? एक बाहर सर्कल है, फिर एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है। तो जो सबसे अंदर वाला है सबसे बाहर आ गया। देखो सबसे अंदर वाला क्या, क्या सबसे बाहर आ गया, और ये अपनी जगह पे ही है, और सबसे बाहर वाला सबसे अंदर चला गया। तो यही हो रहा है। क्या हो रहा है? सबसे इनर वाला सबसे आउटर बन जा रहा है, सबसे आउटर वाला सबसे इनर बन जा रहा है। देखो आउटर में सर्कल है तो इनर में सर्कल चला गया, इनर में ट्रायंगल है तो आउटर में आ गया। तो वही सेम लॉजिक यहाँ लगेगा, इनर में सर्कल है तो सर्कल आउटर में आ जाएगा। ठीक है, ये बॉक्स यहीं रहेगा, और ये ऐसा कुछ बन जाएगा कि ये ट्रायंगल अंदर चला गया, सर्कल बाहर आ गया। ये वाला जगह ना खड़ा होगा। ठीक, ये वाला देखो, ये कुछ इस टाइप का फिगर था, ये अपोजिट हो गया इधर, मतलब डायरेक्शन इसका चेंज हो गया। ये कुछ इस टाइप का फिगर, इसका डायरेक्शन चेंज कर दो, सेम लेकिन एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पंख जैसा बना हुआ है। अब देखो किस साइड है, ये फिगर के दूसरी साइड है, तो इसलिए इस साइड इधर बनेगा इसका। ठीक है, चेक करो कौन सा वाला होगा। इसमें थोड़ा बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। देखो कौन सा वाला होगा, इसका सेकेंड वाला होगा। एनी डाउट बताओ, कोई डाउट है? ये देखो ना सेम फिगर, ये लाइन ऐसे आ रहा है तो ये लाइन ऐसे आना चाहिए, अपोजिट, जस्ट अपोजिट, ये दोनों ऐसे, और ये अपोजिट साइड वाले साइड पे ये ऐसा डायरेक्शन है, तो इसके अपोजिट साइड पे ये ऐसा डायरेक्शन है। ठीक है, इसको देखो, एक छोटा सा ओवल, ये एरो, इसको अगर हम ऐसे घुमा देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये छोटा सा ओवल ऐसा हो जाएगा, ये एरो ऐसे हो जाएगा। मतलब एरो हमने जो है, एरो क्या कर दिया, एरो को शिफ्ट कर दिया, कि इस एरो को हमने क्या किया कि यहां से यहां कर दिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इसको घुमा दो, कितना ऐसे घुमा दो कि ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है ना ऐसे। ठीक है, तो इसको भी एक बार घुमा दो, तो ये वाली लाइन कहाँ जाएगी? ये वाली लाइन आ जाएगी यहाँ पे, और ये वाली लाइन आ जाएगी यहाँ पे। तो ये कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। कौन सा वाला फिगर है? फोर्थ वाला। ठीक है, तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। इसमें देखो कि एक क्रॉस है और एक स्क्वायर है। अगर नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ, ये जो है पूरा मैच हो गया यहाँ तक, ऊपर तक, तो ऑब्वियस सी बात है एक सर्कल है, एक प्लस है, तो अगले फिगर में क्या होगा, ये पूरा मैच हो जाएगा सर्कमफ्रेंस तक, यहाँ तक ऐसे प्लस बन जाएगा। ये वाला देखो, छोटा सा ट्रायंगल, फिर ये बड़ा सा माइनस, फिर ये मल्टीप्लाई। तो क्या हुआ कि ये वाला ट्रायंगल यहाँ आ गया बीच में, तो ये वाला कहाँ गया? बीच में आ गया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला कहाँ जाएगा? बीच में आ जाएगा बड़ा सा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये वाला प्लस कहाँ चला गया? ये इधर चला गया, इस फिगर के साइड में ऊपर। तो इस फिगर के साइड में ये वाला कहाँ चला जाएगा? इस फिगर के साइड में आ जाएगा ऊपर, प्लस है ना, प्लस है, क्या है? प्लस है। ठीक है, और ये माइनस क्या हुआ? फिगर के नीचे आ गया। तो ये वाला क्या होगा? फिगर के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे एक बॉक्स बनाया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना दो। तो कौन सा वाला सेम है? प्लस बॉक्स, ये तो होगा, नो डाउट। तो बहुत ही बेसिक बेसिक चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, काफी मजा आएगा। अभी मिरर इमेज से जो है हम लोग नेक्स्ट वाले में सॉल्व करेंगे। अब पहले अगला देख लेते हैं कौन सा है।
अगला मिरर इमेज नहीं होगा तो सॉल्व करेंगे। मिरर इमेज के लिए बिल्कुल फ्रेश वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल फ्रेश मिरर इमेज और पंच होल, क्योंकि दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है। काफी मजा आएगा पढ़ने में, उसमें काफी मजा आएगा। ये सब तो आप लोग भी कर पा रहे होंगे, मुझे बताना कर पा रहे हो। चलो इसको भी देख लो, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, इसमें हमें बताना है कि भाई कौन सा फिगर इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली फिट होगा। तो कुछ नहीं करना होता, बस इसको हमें पूरा फिगर को क्लोज कर देना होता है, और जो जो ये बनता है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली हम जो ऑप्शन में हमें दिख जाएगा। देखो इस टाइप का कौन सा वाला बन रहा है, चेक करो, फोर्थ वाला डायरेक्टली इसमें फिट हो जाएगा। इसमें देखो इसमें कौन सा वाला फिट होगा। मेरे पास पेन थोड़ा सा इसमें मोटा चल रहा है, तो आप लोग जो है अपने को आपको समझ में आ जाएगा कि तो ये देखो ये कैसा कौन सा वाला है। सेकंड वाले जैसा बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। यहाँ देखो इसको करोगे तो किसके जैसा सेम है, ठीक है। इसको देखो इसको करोगे तो किसके जैसा सेम है, ट्रायंगल बनेगा इसका फोर्थ वाला हो। इसमें देखो बड़ा दिख रहा है तो कंफ्यूज मत होना, एक हमें ट्रायंगल चाहिए बिल्कुल सेम। देखो यहाँ पे जो है अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो इस फिगर को अगर मैं बड़ा बनाऊं तो देखो अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये ट्रायंगल ही तो बनेगा ना, दैट्स व्हाई इसका ये आंसर होगा। तो इसमें देखो इसमें कैसा होगा, यहाँ इसमें कौन सा फिट होगा, सबसे पहले तो हमें ये बताना कौन सा वाला एक्चुअली फिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो वैसे तो ऐसे ही आना चाहिए, इस टाइप का फिगर देखो कौन सा वाला है, कौन सा वाला फिगर है, फटाफट चेक करो कौन सा वाला फिगर होगा। फर्स्ट वाला ही होगा, ठीक है फर्स्ट वाला होगा। लेकिन इसने जो है ये चीज, ये पोर्शन जो एक्स्ट्रा दे रखा है, ये जो काला वाला पोर्शन है ना, क्योंकि ये तो यहाँ पे ऑलरेडी ये बन रखा है ना, ये वाला पोर्शन इसमें एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही फिट होगा इसमें। देखो ध्यान से देखो ये मिसप्रिंटेड है, ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही फिट होगा। एनी डाउट में, या फिर ये लाइन नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, या फिर ये जो लाइन है ना छोटी सी, ये जो लाइन है ये लाइन नहीं होना चाहिए था। ये लाइन नहीं होता तो फिर ये बिल्कुल यहाँ फिट हो जाता है, ये कुछ ना कुछ इसमें तो मिसप्रिंट है। ये नीचे छोटी सी लाइन है ना, ये लाइन नहीं होना चाहिए, तब जाके ये एक्चुअली फिट हो जाएगा। ये बिल्कुल ये भी ब्लैक हो जाएगा, हाँ तभी ये ऐसा होगा, ठीक है। तो ये लाइन नहीं होना चाहिए, तब इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। इसको कवर अप करो, सर्कल बनाओ पूरा, तो देखो ये कैसा फिगर बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ऐसा कौन सा है, सेकंड वाला है, ठीक है। इसको कंप्लीट करो, देखो कैसा कौन सा फिगर बन रहा है, फर्स्ट वाला। नो डाउट, देखो ना यहाँ पे देखो एक छोटा सा ट्रायंगल टाइप का बन रहा है। आप अपने कॉपी पे करोगे तो पता चल जाएगा, या फिर बुक पे पेंसिल से करोगे तो पता चल जाएगा। देखो यही वाला तो सेम है एग्जैक्टली, डिक्टो सेम। बताओ कौन सा फिगर है, ठीक है। इसमें देखो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का फिगर थर्ड, ठीक। तो इसके भी क्वेश्चन आप लोग फिगर कंप्लीशन कर लोगे, मतलब उस फिगर जो भी शेप होगा ना, जैसे एक और बताया था, जैसे देख लो इसको, देखो इसको ऐसे पूरा शेप को कंप्लीट कर दो, ये पता चल जाएगा कौन सा वाला आएगा। इसको कंप्लीट कर दो, ऐसा कोई कौन सा फिगर है, देखो चेक करके बताओ। ये थोड़ा सा बड़ा दे रखा है यहाँ पे, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो ये यहाँ पे ये फिट नहीं होगा, ये तो पहली बात तो ये फिट नहीं होगा। ये कौन सा वाला होगा, अगर इसको अगर हम ऐसे करें, सॉरी एक मिनट, इससे थोड़ा सा ये नहीं होता ना, दिक्कत यहाँ है। अगर थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा पतला कर लेता हूँ, तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ इस टाइप का फिगर बन के आना चाहिए। तो इसका एक यही 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 वाला हो सकता है, क्योंकि और तो होगा नहीं। यस इसका यही वाला हो, क्योंकि यहाँ देखो ना ध्यान से देखो कि इसमें जो है दो स्ट्रेट लाइन आने हैं, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ आना है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ आना है। तो स्ट्रेट लाइन तो वैसे इसमें से किसी में भी नहीं है, ठीक है। ये देखो ये थोड़ा बहुत ऐसा है, बस थोड़ा बहुत यही मैच कर रहा है, एग्जैक्टली पूरा डिक्टो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि और तो इसमें और कोई ऑप्शन है नहीं जो कि होगा, ठीक है। तो कर लेना आप लोग इसको, कर लोगे ऐसा नो, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। आप देखो मिरर इमेज वाला जो है ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वाला बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मिरर इमेज और पंच ढोल बहुत अच्छे से करेंगे। ये सब तो आप लोग कर सकते हो, इस सब में मुझे पूरा आप लोगों के ऊपर भरोसा है कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो,
जो मेन आप लोगों को दिक्कत आएगी वो किस पर आएगी, मिरर इमेज और पंच होल पैटर्न, मिरर इमेज और पंच्ड होल पैटर्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बिल्कुल डीप से स्टार्ट करेंगे, डीप से बिल्कुल बेसिक से। मुझे बताना कितने बच्चों को इसमें दिक्कत है, कितने बच्चों को इसमें दिक्कत है, मुझे सभी बताना, क्योंकि बताओगे तभी जो है आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व सॉर्ट आउट हो पाएगा। तभी मैं, जितने बच्चे ज्यादा बताएंगे तो उस हिसाब से मैं ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन इसके बता दूंगा, सो डेट कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ इसको, इन दोनों चैप्टर को सॉल्व कराने का टेंशन मत लेना, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर होगा, बहुत ही मजा आएगा करने में। पूरा का पूरा पंच होल वाले में बहुत बच्चों को सबसे ज्यादा पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, बिना फोल्ड किए पेपर, बिना काटे आप लोग सॉल्व कर पाओगे, सिर्फ दिमाग में सोच के, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए कितने बच्चे वेट कर रहे हैं फटाफट बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ, और कितने बच्चों को दिक्कत है, तभी मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताऊंगा इसके, ठीक है। तो क्लास एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिरर इमेज पंच होल पैटर्न के साथ, और कितने बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए वो मुझे बता देना। ओके, थैंक यू वेरी मच।